बात रायपुर की, जहां यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। यूक्रेन से छत्तीसगढ़ आने वाले लोगों का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि अपने निजी खर्चे से यूक्रेन से छत्तीसगढ़ आने वाले लोगों का खर्चा सरकार वहन करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, ऐसे ही कुछ फैसलों के लिए जाने जाते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल? बिल्कुल, देखिए बहुत सहजता है और निश्चित तौर पर आम आदमी की मांग भी यही थी, यहाँ के परिवार के लोग मांग भी कर रहे थे और मुख्यमंत्री भली भांति समझते हैं कि जो इश्यू सामने आने वाला है उसके पहले ही वो देखिए ट्वीट करके उन्होंने साफ कर दिया कि जो भी खर्चा होगा छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। और निश्चित तौर पर देखिए काफी बच्चे हैं जो यहाँ से खासतौर से MBBS की जो पढ़ाई करने गए, वो काफी तादाद में यहाँ से जांजगीर चांपा है, छोटी छोटी जगह से मोहला मानपुर से लोग हैं, रायपुर से लोग हैं, बस्तर से लोग हैं, ये सभी लोग वहां पर फंसे हुए हैं। निश्चित तौर पर आएंगे तो पूरा खर्चा छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। बेहतर कदम है क्योंकि लाने की बात है वो तो खैर केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय को करना है, लेकिन जो भी खर्चा होगा पर्सनल अगर कोई वहां से आता है तो उसका खर्चा पूरा छत्तीसगढ़ सरकार वहन करेगी। ये मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जानकारी साझा की और निश्चित तौर पर बेहतर पहल है। शुक्रिया आदित्य इस तमाम बातचीत के लिए। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी अपने निजी खर्चे से यूक्रेन से छत्तीसगढ़ वापस लौट रहे हैं छात्र, उनका खर्चा छत्तीसगढ़ सरकार वहन करेगी।